अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15 है। आज के इस लेक्चर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ 16 या 17 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, एक बात याद रखिए, पेपर इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं। पेपर आपका बन किस तरह रहा होता है, मतलब उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी कि पेपर है क्या, पेपर में डाइजेस्टर क्या होता है, पेपर बनाने के कितने तरीक़ाकार हैं, और लास्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिग्निन क्या होती है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाता है। पहले मैं आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और वो इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में। मसलन पेपर बनता कैसे, भैया पेपर तो एक तरीक़ाकार ये है कि आप डायरेक्ट पेपर से पेपर बना सकते हो, मतलब ये जो आपकी बुक वगैरह होती हैं, कापी वगैरह होती हैं, ये रद्दी वाले को दे देते हो, रद्दी वाले वो लेके पीछे इंडस्ट्री में चली जाती हैं, वहाँ पर जाकर इसी पेपर को यूज़ करके दोबारा फिर रिसाइकिल करके भेज दिया जाता है। और याद रखिए कि एक पेपर को 5 से 6 दफ़ा रिसाइकिल किया जा सकता है, और जितनी दफ़ा रिसाइकिल होगा पेपर का कलर ऐसा ऐसा फेड होता जाएगा। मसलन जो पहली दफ़ा पेपर बनेगा वो बिल्कुल वाइट होगा, बिल्कुल वाइट, और जो दूसरी दफ़ा बनेगा वो ऐसा ऐसा येलो होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता रफ अमल के रजिस्टर मिल रहे होते हैं वो थोड़े से येलो कलर के होते हैं पेज, और आपने कुछ बुक्स भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा ना येलो कलर आता है, हालांकि वो वाइट कलर में ज़्यादा शो हो रही थी, ज़्यादा अच्छी लग रही, हालांकि वो पेज निकम्मा होता है। जो अच्छा पेज होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जो रिसाइकिल होकर आता है वो पेज थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है। तो पेज बनने की शुरुआत अगर देखी जाए तो कहाँ से होती है, बच्चे पेज आप मुख्तलिफ तरीक़े से बना सकते हो। आपको जो रॉ मटेरियल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वो लिखेंगे भी वुडी और नॉन वुडी होते हैं। वुडी का मतलब है जिसमें लकड़ी हो, नॉन वुडी का मतलब है जिसमें लकड़ी ना हो। नॉन वुडी रॉ मटेरियल की मैं चंद एग्जाम्पल देता हूँ जो कि नॉर्मल जिंदगी में है। पहले नंबर पर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ये जिसको हम तूड़ी कहते हैं, सही है। उसके अलावा पराली, उसको राइस स्टाल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, सही है। कपास जिसको हम आम जबान छिटियाँ कहते हैं, सही है, वो ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं वुडी प्लांट की बात करूं तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसको आप एज आ यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छा पेपर है वो बनाया जाता है वहाँ से, बांस से, बांस के गोदे से, उसको भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपने पेपर बनाना है ना, मैं सपोज करता हूँ मैंने लकड़ी से वुड से बनाना है, और याद रखिएगा मैक्सिमम पेपर आपको वुड से बन रहा होता है। आप वुड को लेते हो पहले नंबर पे, अगर बहुत बड़ी लकड़ी है ना उसको आप पहले नंबर पे काटोगे, काट के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या करोगे इसको तोड़ दोगे। तोड़ने के बाद आप इसको भेजते हो एक डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर एक मशीन होती है जहाँ पर इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल डाले जाते हैं, और केमिकल डाल के इसको घुमाया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे, इस मुख्तलिफ केमिकल डाल के इसको घुमाया जाएगा, और इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं डाइजेस्टर का। अच्छा, अब ना इसमें हम डाल रहे होते हैं कैल्शियम सल्फेट, सही है, H2O2, ये मुख्तलिफ केमिकल इसके अंदर डाल के इसको घुमा रहे होते हैं, और इसमें पानी डाल देते हैं। अब देखो जब पानी डालोगे उसको घुमाओगे मुख्तलिफ केमिकल डाल के, ये ना लकड़ी जो होती है ये बेसिकली शुरू में सख्त होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली लकड़ी ऐसा ऐसा क्या होनी शुरू हो जाएगी, नरम होनी शुरू हो जाएगी। अब नरम जब होगी तो उसके बाद ना एक गोदा सा बन जाएगा, उसको आप नाम देना शुरू कर देते हो पल्प। क्या नाम देना शुरू कर देते हो, पल्प। पल्प अगर बनाना है ना, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, कोई पुरानी कापी लो, उसके पेज को उखाड़ लो, उखाड़ने के बाद पानी लो, उसके अंदर डाल दो, एक दिन के लिए पड़ा रहने दो, और उसके बाद जो एक सॉफ्ट सी चीज़ बन जाएगी ना उसे, वो गोदा होता है। तो ये वाली चीज़ बेसिकली उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ना अब लकड़ी के अंदर ना ये वाली चीज़ होती है लिग्निन, लिग्निन की वजह से इसका रंग आ रहा होता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है लकड़ी का जो कलर होता है ब्राउन होता है, वो जो ब्राउन कलर होता है वो बेसिकली लिग्निन की वजह से हो रहा होता है। अब उस लिग्निन को ख़त्म करने के लिए ब्राउन कलर है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, पहला तरीका ये है कि आप उसमें काफ़ी सारा पानी डालो, निकाल दो, पानी डालो, निकाल दो, पानी डालो, निकाल दो, इस तरह में ख़त्म किया जा सकता है। सेकेंड ये है कि आप इसकी वो करवा दो क्लोरीनेशन, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो, या फिर इसकी ब्लीचिंग कर दो, आप ब्लीचिंग पाउडर इसमें इस्तेमाल करो, और जितने भी कलर होंगे ना कलर्ड चीज़ें वो वाइट कलर में तब्दील हो जाएगी। ब्लीच की सबसे खास बात ये होती है कि अगर आप उसको किसी भी शय पे डालते हो तो उसमें किस में कन्वर्ट कर देती है, किस में कन्वर्ट कर देती है, वाइट में। देखो आप ब्लीच हमेशा वाइट कपड़ों को कर रहे होते हो, किसको कर रहे होते हो, वाइट कपड़ों को ब्लीच कर रहे होते हो। तो अब यहाँ पे अगर कोई रंग वगैरह रह भी जाता है ना, वो सारे सारे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ब्लीच की वजह से। अब इसके बाद ना वो बिल्कुल नरम होता है गोदा, उसको ना रोलर के अंदर से गुजारा जाता है, उसी पेपर को रोलर होते हैं बड़े बड़े,
उसी पेपर को यहाँ से गुजारा जाता है, वो बिल्कुल बारीक बारीक से शीटें बन जाती हैं। और बेसिकली जो पेपर बन रहा होता है वो बहुत बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, बाद में उसको आगे जाकर कटर की मदद से काटा जाता है, जितना आपने एक रजिस्टर बनाना है, बुक बनानी, जो भी है उसका साइज, उसके मुताबिक काटा जाता है और उसके बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। यह है जी प्रॉपर तरीकाकार कि आप एक पेपर को किस तरह तैयार करते हो। सही है, ये था जी हमारे पास पूरा तरीकाकार जिस तरीकेकार से हम यूज़ करके पेपर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेपर गिव रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। पेपर क्या है? याद रखिएगा हमारे पास जो पेपर है ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से की जाती है, पेपर इज अ सेलुलोज़िक मटेरियल। बेसिकली जो पेपर होता है ना ये सेलुलोज़िक मटेरियल होता है, सेलुलोज़िक का मतलब ये है कि इसमें सेलुलोज काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। याद रखिएगा इसको प्लांट से तैयार कर रहे होते हैं, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज होता है। अब पेपर में अगर देखा जाए ना सेलुलोज किस तरह होता है, ये इस तरह होता है, इंटरवोवन, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सही है, ये इस तरह इंटरवोवन, ये इस तरह एक दूसरे के अंदर इस तरह दूसरे होते हैं, और ये हमारे पास होती है पेपर। अगर आप पेपर को थोड़ा जूम करके देखते हो तो पेपर अंदर से कुछ इस तरीकेकार का नज़र आ रहा होता है। सही है, तो यहाँ पे ये जो एक लाइन है ये बेसिकली ये सेलुलोज है, और यहाँ पे क्या हो जाए इंटर वोवन, ये आपस में उलझे हुए हैं, इसके लिए वर्ड हम इंटरवोवन इस्तेमाल कर लेते हैं। और पेपर हमारा सेलुलोज मटेरियल विच यूज टू राइट, विच इज यूज टू राइट, जिसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट प्रिंटिंग एंड अदर पर्पजेज, एंड अदर पर्पजेज। लो जी पेपर हमारे पास एक सेलुलोज मटेरियल है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, लिखने में, प्रिंट करने में, और किसी और मकसद के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, तो ये था जी हमारे पास पेपर की डेफिनेशन। लेकिन इसके साथ एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कौन से, और इसी के रिलेटेड यहाँ पे दोबारा फिर दिया हुआ क्वेश्चन। मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। रॉ मटेरियल याद रखिएगा पेपर को बनाने के लिए दो होते हैं, कितने होते हैं, एक होता है हमारे पास वुडी रॉ मटेरियल, वुडी रॉ मटेरियल, और एक होता है हमारे पास नॉन वुडी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अच्छा वुडी रॉ मटेरियल पता कौन सा होता है, जिसमें लकड़ी होती है, ये कौन सी चीज होती है, लकड़ी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको वुडी रॉ मटेरियल की, पॉपुलर, ये खास किस्म की लकड़ी है। सही है, ये क्या हमारे पास पॉपुलर, जिसको आम जुबान में चनार कहते हैं। सही, इसके बाद एक और हमारे पास लकड़ी का नाम है जो है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, और इसके बाद डी ओ यू डॉगलस फिर। ये तीन प्लांट्स के नाम है, इन प्लांट्स की जो लकड़ियाँ होती है ना इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब नॉन वुडी जिसमें लकड़ी नहीं होगी, जिसमें लकड़ी नहीं होगी उसको कहेंगे नॉन वुडी रॉ मटेरियल। तो इसमें कौन सा आ रहा होता है हमारे पास रॉ मटेरियल, पहले नंबर में राइस स्टाल्क, स्टाल्क। अच्छा याद रखिए जो स्टाल्क का मतलब है ना, स्टाल्क तने को कहते हैं, राइस स्टाल्क जो चावल का तना है जिसको हम आम जुबान में पराली कहते हैं। इसके बाद वीट स्टाल्क, कॉटन लिंटर जिसको आम जुबान ये कपास के जो पौधे होते हैं ये वहाँ से आया। सही है, इसके बाद आप ग्रासेस इस्तेमाल कर सकते हो, काही ग्रासेस, ले जी बहुत नाम है। सही है, बुक में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, कम से कम तीन नाम इसके आने चाहिए, वुडी रॉ मटेरियल इसके दिए तीन हैं। याद रखिए कि वुडी रॉ मटेरियल के दिए ही बुक में तीन हैं, इसके भी कम से कम आपको तीन आने चाहिए, तीन वुडी रॉ मटेरियल के आने चाहिए नाम और तीन नॉन वुडी रॉ मटेरियल के नाम आने चाहिए।
सर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल मेथड फॉर द केमिकल पल्पिंग एंड यूज फॉर द पेपर, विच वन इज बेस्ट मेथड। अच्छा कहते हैं पेपर को तैयार करने के लिए ना प्रिंसिपल मेथड कौन से, नाम लिखो और इनमें से सिर्फ ये बताना है कि बेस्ट कौन सा है। सही है, तो इसमें तीन तरीकेकार पेपर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है नाम याद रखने, एक है क्राफ्ट्स मेथड, क्राफ्ट्स मेथड, एक है सल्फाइट मेथड, सल्फाइट मेथड, और जो थर्ड नंबर है पे हमारे पास मेथड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको याद कर लीजिए और यही बेस्ट मेथड है, यह है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल मेथड। ये क्या हमारे पास है, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। और याद रखिएगा यही वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। ये क्या हमारे पास बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है ये इजीली रिकवर हो जाता है, रॉ मटेरियल इज इजीली रिकवर्ड, जो रॉ मटेरियल ये आसानी से रिकवर हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें ना एक और भी याद रखना, जो पल्प बन रही होती है ना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ ऑफ पल्प, जो पेपर आपका बन रहा था वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज अ बेस्ट मेथड। नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल मेथड, और उसके बाद NSSC भी कह देते हैं, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल मेथड। और यही बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो इजीली रिकवर्ड कर लिया जाता है, दोबारा बना लिया जाता है, और इसमें जो हमारे पास पेपर बन रहा होता है वो अच्छी स्ट्रेंथ का होता है। अब डिस्क्राइब डाइजेस्टर इन अ पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ये डाइजेस्टर क्या है पेपर और पल्प इंडस्ट्री में। भाई डाइजेस्टर ना बेसिकली एक मशीन है, ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है ना, एक मशीन के अंदर रख के इसको घुमाते रहते हैं, ये डाइजेस्टर है। ये बेसिकली एक मशीन होती है इस तरह गोल बिल्कुल, और इसे थोड़ा टेढ़ा भी होता है, ये इस तरह, ये डाइजेस्टर। इसकी लंबाई जो होती है ना, लंबाई होती है 10 मीटर, कितनी होती है 10 मीटर, 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, और 1 मीटर कम से कम इतना लंबा होता है, और 10 मीटर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। सही है, 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई पता कितनी होती है, 2 मीटर ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, वैल्यूज याद रखिएगा, 8 मीटर का भी होगा तो भी डाइजेस्टर ही होगा, 12 मीटर का होगा तो भी डाइजेस्टर ही होगा। सही है, तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ बताई जाती है वो ऑलमोस्ट बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली चीज़ बता दी गई ये इतनी है तो 100% इतनी ही होगी, तो उसको डाइजेस्टर कहेंगे। अब हमारे पास क्या है, जिसकी लंबाई डाइजेस्टर की लेंथ 10 मीटर है, इसकी विड्थ 2 मीटर है, और आप इसके एक साइड से रॉ मटेरियल इंटर होता है, रॉ मटेरियल इज इंटर्ड, और रॉ मटेरियल कौन सा, बेशक वो वुडी हो बेशक वो नॉन वुडी हो, अगर वुडी है तो उसको पहले आप क्या करोगे, बेशक ये वाला या ये वाला, अगर वुडी है तो उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करोगे फिर इसमें भेजोगे, अगर नॉन वुडी है तो उसको डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें लकड़ी नहीं होती, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब ना ये हमारे पास डाइजेस्टर आ गया, जहाँ से रॉ मटेरियल को इंटर करोगे, इंटर करने से पहले कुछ काम किया जाता है, वो ये है, क्योंकि आपके बेशक वो लकड़ी हो बेशक ये वाली चीज़ें हो, ग्रासेस वगैरह हो, उनमें मट्टी होती है, उस मट्टी को रिमूव करने के लिए पहले उसको अच्छे तरीके से धोया जाता है, पानी से धो के इसके अंदर डाल देते हो, डाल दिया, डालने के बाद अब ये वाला डाइजेस्टर होता है ना,
ये इस तरह घूम रहा होता है, जैसे साकर नहीं रहता, ये 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये ऑलमोस्ट इस तरह स्पीड से घूम रहा होता है, मतलब एक मिनट में ये दो चक्कर लगा लेता है, एक दो ढाई, ढाई चक्कर एक मिनट में लगा था, मतलब बहुत ही कम स्पीड के साथ ये वाला डाइजेस्टर घूम रहा होता है, सही है। अब आपने जैसे रॉ मटेरियल में भेजा इस डाइजेस्टर में, ये मैंने रॉ मटेरियल भेज दिया, आपने इसे मुख्तलिफ केमिकल्स डाल रहे होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए आपको मुख्तलिफ केमिकल्स यहाँ पर डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंट केमिकल जिस तरह सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसी तरह हमारे पास और केमिकल की मैं बात करूं तो H2O2, ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आप डाल रहे हो तो इसके अंदर ये काम क्या करती हैं, आपने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर एक और भी बात याद रखिएगा, या आप अकेली चीज़ नहीं डाल देते ना, रॉ मटेरियल को लेकर डायरेक्ट इसमें डाल देना है, रॉ मटेरियल डालना है और साथ में पानी भी डालना है, क्योंकि आपने इसको डाइजेस्ट करना है, और डाइजेशन आपने मैदे में पड़ी होगी, क्या मुख्तलिफ चीज़ें खाते हो मैदा, उसको गुला गुलू के ना एक सूप टाइप चीज़ बना देता है, जो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसको आप नाम दे रहे होते हैं, डाइजेशन हो गई है, सेम डाइजेशन वहाँ से वर्ड उठा के उसको डाइजेस्टर का नाम दिया है, सही है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी और लास्ट में जो चीज़ बनेगी वो बिल्कुल एक होमोजेनियस मिक्सर टाइप होगा, सही है। तो यहाँ पर रख दिया, इसमें मुख्तलिफ केमिकल डाल दी है और ये घूमता रहता है, कितनी स्पीड से 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना, टेम्परेचर शुड बी 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इतना रखना है। अब ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, सही है। उसे सिर्फ डाइजेस्टर पूछा है, पेपर पल्प इंडस्ट्री में डाइजेस्टर को एक्सप्लेन करो, अब कैसे होती है डाइजेशन ये नहीं पूछा आपने, कहना जी डाइजेस्टर इज कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक, ये बेसिकली ये मेटल का बना हो सकता है, ये स्टील का बना होता है, या फिर ये बना हो सकता है रॉट आयरन का, रॉट आयरन या आयरन, या फिर किसका बना हो सकता है, द डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ स्टील और रॉट आयरन, द लेंथ ऑफ डाइजेस्टर इज 10 मीटर, द विड्थ ऑफ डाइजेस्टर इज 2 मीटर, राइट इज एंटर इनटू द डाइजेस्टर एट वन साइड, डाइजेस्टर इज रिवॉल्व अबाउट 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, सम केमिकल्स आर एडेड इन द डाइजेस्टर विच सच एज सोडियम सल्फाइड H2O2, ClO2, सही, इसको क्लोरीन डाइऑक्साइड कहते हैं, द डाइजेस्टर इज हीटेड एंड हीट द रॉ मटेरियल अबाउट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने डाइजेस्टर को गर्म करना है और आपका जो अंदर वाला मटेरियल वो तकरीबन 160 से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो, तो उसके बाद ये सारे का सारा मिक्सचर, और ये काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहते हैं 45 मिनट तक चलता रहता है, इसको आपने क्या करना है, 45 मिनट्स, और ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट टाइम हो, 45 मिनट्स तक चलता रहेगा, 45 मिनट 50 भी चल सकता है, 55 भी चल सकता है, तो ये ऑलमोस्ट इतना देर तक काम चलता रहेगा, और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ से चीज़ निकलेगी वो पल्प होगी, वो क्या होगी, पल्प। अब पल्प में ना बाज़ दफ़ा मैंने आपको भी बताया कि लिग्निन क्या है, इसको कैसे रिमूव करते हैं, लिग्निन क्या है और इसको कैसे रिमूव किया जाता है, भाई याद रखिए कि जो लिग्निन है ये एरोमेटिक पॉलीमर होता है, लिग्निन क्या है हमारे पास, एरोमेटिक पॉलीमर, ये बार दफा जो पेपर उसको कलर दे रहा होता है, सही है। दो तरह के लिग्निन हो सकते हैं, एक लिग्निन है जो पानी में हल हो जाता है, वाटर सोलबल लिग्निन, सही है। लिग्निन क्या हो सकता है हमारे पास, एक होता है वाटर सोलोबल लिग्निन, बट जो वाटर सोलोबल लिग्निन होता है इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग वाटर, इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग वाटर, इसको पानी के इस्तेमाल करके रिमूव कर देते हैं, मतलब आपको ये पल्प बना इसके अंदर काफ़ी सारा पानी डालते हैं उसको निकाल देते हैं, फिर काफ़ी सारा पानी डालते हैं निकाल देते हैं, मतलब लगातार पानी का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ऐसा लिग्निन रिमूव होना शुरू हो जाता है, सही है। और ऐसा लिग्निन जो पानी में हल नहीं होता उसको कैसे रिमूव करते हो,
सही है, लेकिन इन इनसॉल्युबल इन वाटर जो है इसको रिमूव करते हैं, रिमूव बाय ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग आप करवा सकते हो क्लोरीन की मौजूदगी में, सही है, सोडियम हाइपोक्लोरेट की मौजूदगी में। और याद रखिएगा बाद में ब्लीचिंग एजेंट भी पूछ लेता है, ये वाला ब्लीचिंग एजेंट अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी लिखा है क्लोरीन डाइऑक्साइड, सही है, चलो तो इसको छोड़ो, ये कम से कम दो याद रखो। क्लोरीन को आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं से ब्लीचिंग करने के लिए। ब्लीचिंग का मकसद क्या होता है कि अगर इसमें कलर मजीद आ रहा है तो कलर को रिमूव कर देगा, तो क्या करेगा रिमूव कर देगा। और हमारे पास लिग्निन क्या है, एरोमेटिक पॉलीमर है, जो कलर दे रहा होता है उसको रिमूव करने का दो तरीका कार है, जो कि आप बुक के मेंशन किए, दो तरीके कार नहीं है। अगर सोलोबल लिग्निन है तो वाटर के जैसे रिमूव हो जाते हैं, पानी डालो निकालो ख़त्म हो जाते हैं, सही है। जो वाटर में सोलोबल नहीं होते हैं वो लिग्निन को रिमूव करने के लिए हम कोई ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लीचिंग एजेंट कोई भी लिग्निन हो सबको वाइट कर देगा। और इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो पल्प बनती है इससे आगे वाला जो प्रोसेस है वो ये है कि पल्प बनेगी वो बिल्कुल वाइट होगी, उसको आप हॉट रोलर के अंदर से गुजारते हो, हॉट रोलर में गुजारने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है वो पेपर होता है, सही है। अब अगर लिग्निन वैसे की वैसी रह जाए ना बीच में, इसकी वजह से पेपर जो होता है ना, पेपर बिकम ब्रिटल, पेपर टूटना शुरू हो जाता है, मतलब आप उस पेपर को थोड़ा टर्न करोगे ना टूट जाएगा। लेकिन हाँ, आप देखते हो ये शीट्स या पेपर या बुक या पेज आप जितना मर्जी टर्न कर लो टूटता नहीं है, अगर लिग्निन बीच में रह जाए तो ये पेपर टूटना शुरू हो जाता है, इसे लिग्निन को रिमूव करना पड़ता है। तो ये था जी हमारे पास पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के हवाले से कुछ क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। और ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो चुका है।